नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी नरेंद्र जी का, निशा जी का, रुक्मिणी जी का, खगेश जी का, उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। कल के वीडियो में हमने बात की थी सूरदास जी की, और सूरदास जी के जो भी तथ्य, जो भी उनके जीवन वृत्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, या जो जिस तरह से उन्होंने कीर्तन कर किया, जिस तरह से वो श्रीनाथ पर्वत पहुँचे, और उनकी भाषा, उनकी शैली आदि के बारे में। चलिए उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है ना, जो गीतों की परंपरा है। क्योंकि इसके पहले लास्ट मैंने वीडियो यहीं से खत्म किया था कि जो सूरदास जी ने गीत काव्य लिखा है, शुक्ल जी कह रहे हैं, वो एक लंबी चलती हुई परंपरा मानी लगती है। भले ही उसका लिखित रूप मौजूद ना हो, भले ही वो मौखिक रूप में हो, लेकिन कोई परंपरा जरूर रही थी। तो वही बात आगे बढ़ाते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया। जितनी सभ्य जातियाँ थी जो पढ़ लिख गई थी, उन्होंने लिखित साहित्य के भीतर भी गीतों का समावेश किया। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार कुछ बदल सा जाता है। मतलब जब लिखित रूप में आता है उनका रूप, तो क्योंकि वहाँ पे पंडित लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो काव्य परंपराओं की रूढ़ियों के हिसाब से, है ना, नियमों के हिसाब से उनको कुछ बदल लेते हैं। लेकिन अगर बात मौखिक की जाए तो जन सामान्य होता है, वो उसको अपने हिसाब से चलाता रहता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं, और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। मतलब मौखिक गीतों के सहारे ही हम, रामचंद्र शुक्ल जी वैसे भी कहते हैं कि किसी भी तरह का साहित्य हो, वो समकालीन जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, है ना। यहाँ पे भी वो वही कह रहे हैं कि ये जो गीत परंपरा है, इसे हमें पता चलता है कि जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म को स्पर्श करते आए हैं, किन किन पद्धतियों से उन्होंने अपने जो भाव हैं उनकी व्यंजना की है। किसी देश की काव्यधारा की मूल प्रकृति का स्वरूप हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। हमें किसी भी देश की मूल प्रकृति, काव्यधारा की मूल स्वरूप को जानना हो, तो वो हमें इन्हीं गीतों के माध्यम से पता चलता है। घर घर में प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। स्वाभाविक विकास इसलिए क्योंकि ये किसी भी रूढ़ी में बद्ध नहीं होता है, ये किसी पढ़े लिखे के द्वारा चीज़ों को अपने हिसाब से परिवर्तित नहीं किया गया होता, एकदम स्वाभाविक होता है। जैसा होता है, जैसा अनुभव होता है, उसी की व्यंजना इन घरेलू गीतों में की जाती है। इस प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठाक परिचय से के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह का कार्य उन्हीं के हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति की मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि हो। मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसे गीतों का संग्रह करना बहुत जरूरी है, लेकिन संग्रह भी उन्हीं के हाथों से किया जाना चाहिए, संग्रह का कार्य, जिनको भारतीय संस्कृत की बहुत अच्छे से परख हो, समझ हो, वो उस चीज़ को समझ सके, साथ ही वह ऐतिहासिक दृष्टि भी उनकी पैनी हो, वो चीज़ों को ऐतिहासिक दृष्टि से भी चीज़ों का मूल्यांकन कर सके। स्त्रियों के बीच चले आते बहुत से पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकिया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकिया प्रेम के जो गीत हैं, वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर ही चले हैं। मतलब पुरानी जितने भी हमें गीत प्राप्त होते हैं, उसमें वो सारे स्वकिया प्रेम के ही हैं। परकिया अगर गीत की बात की जाए, तो वो हमें कृष्ण और उनके गोपिकाओं के प्रेम से ही, वहाँ से ही प्राप्त होते हैं। इन पर
इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते हैं। मैथिली कवि मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि सूर के श्रृंगारी पदों की तुलना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई, कुछ पदों के भाव तो भी बिल्कुल मिलते हैं, है ना। मतलब जो श्रृंगारी गीत थे सूरदास जी के, वो काफ़ी कुछ विद्यापति के पद्धति पे ही किए गए थे, कुछ में तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरित सुंदर भेल मधाई, जो निज भाव सुभाव ही बिसरल अपने गुण लुभधाई। हो रही सहचरी कातर दीठी, हेर छल छल रोलोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटेद आधा आधा बानी। राधा सह जब पनित ही माधव, माधव सह जब राधा, दारुण प्रेम तब ही नहीं टूटत, बाढ़त बिरह कबाधा। दिस दारु दहन जैसे दगधाई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेर सुधामुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। मतलब वो कृष्ण का याद कर रही हैं, इतना स्मरण कर रही हैं, इतना दिन रात स्मरण कर रही हैं कि वो स्वयं को ही कृष्ण समझने लगती हैं। और जब वो स्वयं को कृष्ण समझने लगती हैं तो वो कृष्ण की जो वियोग की स्थिति को भी पूर्णतः महसूस करती हैं, और वो क्या करती, कृष्ण के वियोग वाली बातें करने लगती हैं। मतलब वो वहाँ पे राधा राधा कहने लगती हैं, कृष्ण राधा के वियोग में राधा राधा रटते हैं और वो भी कृष्णमय होकर राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश आता है आती हैं तब कृष्ण की विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। मतलब यदि वह कृष्ण से प्रेम एकालाप कर लेती हैं, उन स्वयं को कृष्ण भी समझ लेती हैं, तो उन्हें राधा का वियोग सताने लगता है, और यदि वह अपने रूप में रहती हैं तो कृष्ण का वियोग तो उन्हें सता ही रहा है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव में सूर का ये पद देखिए। मतलब ये अभी आपको विद्यापति का दिखाया गया पद, अब उसकी तुलना सूर से करिए। सुनो श्याम ये बात और को क्यों समझाई कहे, दोह दिस की रति बिरह बिरहनी कैसे कह जो सहे, जब राधो तब ही मुख माधव माधव रटती रहे, जब माधव हवे जाति सकल तनु राधा बिरह दहे। वही बात आ गई ना यहाँ पर भी, अभय उभय अग्रदव दारु कीट ज्यो शीतल ताही चहे, सूरदास अति विकल बिरहनी कैसा सुख न लहे, है ना। ये प्रश्न दिया हुआ है सूरदास जी की, जहाँ से ये लिया गया है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। सारंग शब्द को लेकर याद रखिएगा, विद्यापद की पदावली में भी इस प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करति मधुपाने, है ना। ये विद्या की पदावली का है, सारंग नयन बयन पुनि सारंग। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा के ही गाए जाते थे। हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं, जो खुसरो का जो समय था वो 1340 था। कबीर यानी संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो साधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। ये मैंने अपने कबीर दाजी वाले वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने की जो साखी की भाषा है वो जरूर साधुकड़ी, लेकिन जहाँ पदों की बात होती है वहाँ उन्होंने भी प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है, मतलब बिल्कुल एक सा ही पद दोनों की रचनाओं में, किसमें, कबीर और सूर में पाया जाता है। है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पद भी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसो तीर तीरे जल पासान, अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विवान। नवलख तारा चढ़े मंडल चले ससहर भान, दौस धू को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाकी साखी बोले कथा संत सुजान, जन कबीर तेरो शरण आयो राखी लेहु भगवान। ये कबीर दास जी का है। अब ये सूरदास जी का देखिए, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसो जले जल तरे पासान, अजामिल अरुभील गनिका चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान, भक्त माधुर भक्त धारु को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाको जुसस गावत सुनत संत सुजान, सूर हरि को शरण आयो राखी ले भगवान। अब आप ये देखिए, यहाँ पे लगभग बिल्कुल वैसा ही का वैसा कबीरदास जी का और सूरदास जी का पद बिल्कुल मिलता है। ऐसा लगता है ज्यों का त्यों उठा के रख दिया गया है। कबीर की सबसे प्राचीन पद प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर ये कैसे पहुँच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते हैं, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया जिसकी ख्याति तानसेन से पहले देश में फैली हुई थी। बैजू बावरा जी की जो ख्याति थी वो तानसेन से पहले भी देश में फैली हुई थी। उनका एक पद यहाँ पे उदाहरण दिया है, मुरली बजाए रिझाए लई मुख सोह मोहन ते, गोपी रीझ रही रसतानन सो सुदबुद सब बिरसाई, धुनि सुनी मन मोहे मगन भई देखत हरि आनन, जीव जंतु पशु पंछिन सुरनर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन। बैजु वनवारी बसी आधार धारी वृंदा वन चंद, बस किए सुनत ही कानन अबवाह। इस प्रकार रामचरित के गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। शुक्ल जी ने सूर्य और चंद्र कहा है कबीरदास जी को और सूरदास जी को। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में नहीं पाई जाती है। वह अन्य कवियों में कहा, हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसके स्रोत सूखने ना पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है, उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुणधीर। है ना, यद्यपि तुलसी के समान सूर्य का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। मतलब जीवन सूर तुलसीदास जी ने जिस प्रकार जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश किया अपने काव्य में, उतना सूरदास जी का क्षेत्र जरूर बड़ा नहीं था, पर जितना परिमित उनका क्षेत्र था उसमें कोई भी क्षेत्र कोई भी कोना उनसे छूटा नहीं जिस पर उन्होंने अपने पद ना कहे। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है। सूरदास जी के बारे में तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और कोई किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर
उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई जिसमें रूप वर्णन की ही उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। मतलब तुलसीदास जी ने बहुत कुछ देखा देखी बाल लीलाएं रामचंद्र की अपनी गीतावली में, लेकिन वो बाल सुलभ चेष्टाएं जैसे तुलसीदास जी लिख गए उतना जैसे सूरदास जी लिख गए उतना तुलसीदास जी नहीं लिख पाए। उन्होंने रूप का वर्णन तो प्रचुर मात्रा में किया, लेकिन जो बाल सुलभ चेष्टाएं जिस तरह की सूरदास जी कर गए वो नहीं कर पाए। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते जा रहे होंगे, ये तो वास्तव में बहुत ही मनोहर हैं। काहे को अरि करत मेरे मदन मोहन, यूं तुम आंगन लोटी, जो मांगू सो देहूं मनोहर, यह बात तेरी खोटी। ठाकुरदास सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट के लकुट लिए छोटी। आज शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत ते रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। सिखवत चलत सिखवत चलन यशोदा मैया, अर बराए कर पानी घावती, डगमगाए धरे पहिया। देखिए कितना मनोहर वर्णन है यहाँ पर। पाहुनी करी दे तनक भायो, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनी गए हो। व्याकुल मतत मथनिया रीति, दधि भवे ढरा की रहो। बालकों की स्वाभाविक भावों की व्यंजना ना जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। इस स्पर्धा का जैसा सुंदर भाव इस पद में आया है, ये पद तो आप सभी ने पढ़ा होगा, मुझे बहुत पसंद है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहे दूध पियत बे, ये आजहूं है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी, जो हुई है लंबी मोटी। अब इस प्रकार बालकों के छोम के ये वचन आगे दिए गए हैं, वो देखिए। खेलत में को काको गुसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, नाहीन बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर और विस्तार किसी और कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं के सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है ये देखिए। करी ल्यो नारी हरी आपनी गईया, ना ही न बसात लाल कछ तुमसो, सबे ग्वाल एक ठहिया। धेन दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दुहन पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। मोहन करते धार चलति पे, मोहन मुख अति ही छब बाढ़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं। मतलब एक एक चीज को लेकर जाने कितने कितने पद कहे गए हैं। देख री हर के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटरत एक सैन। राजीव दल इंदीवर सतदल, कमल कुसे सह जाति, निस मुद्रति प्रात ही ते बिगसत, ये बिगसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक प्रति, को बरने उपमाए, मानो सरस्वती संग जमुन, मिल आगम कीन्यो आए। वह नेत्रों के पति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े ही मनोहर हैं।
मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचित नैन नीर के सजनी मूल पाताल गई, बिगसत लता सुभाए आपने छाया गहन बई, अब कैसे निर्वारों सजनी तन सब तन पसर गई। आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के भाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि जैसे वे अपनी प्रागल्भता उसे कोसने में ही खर्च कर देती हैं, जैसे वे अपनी सारी प्रागल्भता उसे कोसने में ही खर्च कर देती हैं। मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदब नंदलाल ही नाना भांति नचावती, राखत एक पाए ठाढ़ी करी अति अधिकार जनावती, आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव सो पत पटुलावती, भ्रुकुटि कुटिल कोप नासापुट हम पर कोप कोपि कुपावती, कालिंदी के कूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते हैं। सूर ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से की है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को बार पार ही नहीं मिलता। वियोग की जितनी भी दशाएं वियोग की जितनी प्रकार की दशाएं हो सकती हैं सबका समावेश उसके भीतर है। तभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है, एही बेरियां बनते चली आवते दूर ही ते वह बेनु अधार धारी बारंबारता बजावे, कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में ना होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं, कहती हैं मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको फिर सिर मधुप धरे, ससा श्यार ओ बन के पखेरू थिक थिक सबन करे, कौन काज ठाढ़े रहे बन में काहे न उकट ही पड़े। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ये बड़ी भारी विशेषता है और इस भारी विशेषता को आप भी याद रखिएगा। शुक्ल जी ने सूर्य की बड़ी भारी विशेषता बताई है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं, है ना। कई जगह पे उन्होंने बताया है सूरदास जी को जब तुलना की है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सूरदास जी की बहुत ही अच्छी हैं जो हमें तुलसीदास जी में नहीं मिलती। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक व्रतों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की ये रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वाह यथार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केल विलास रास छेड़छाड़ मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है पर वे रूढ़ी और परंपरागत हैं, उनमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर ने अभ्यांतर पक्ष की भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम की दशा के भीतर ना जाने कितनी मनोहर वृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव ने तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों के प्रेम से विरत करना चाहते हैं, पर गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं और कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागत केन बिकाज ररो,
जाए करो उपचार आपनो, हम जो कहते हैं जी की, कछु कहत कछ हुए कही डारत, धुन देखिए तो नहीं नी की। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूतियों के आधार पर किया है, तर्क पद्धति पर नहीं। मतलब इन्होंने सगुण को ऊपर रखा है, जो हृदय की जो मार्मिक होती है ना, मार्मिक अनुभूतियां, उनके आधार पे यहाँ पे उन्होंने तर्क पद्धति से काम नहीं किया है। सगुण निर्गुण का ये प्रसंग सूर और अपनी ओर से लाए हैं, इसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में ये प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी, इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग को का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाक्य विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच में रोक कर इस प्रकार पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाई, सौह दे बूझती सांच न झांसी, और कहती हैं कि चारों ओर इस फासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर ही यूं बकबक करता है। सुनहे कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण समेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। इस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ कोई संबंध हो सकता है ये बताओ? रेख न रूप बरन नहीं, बरन जाके नहीं ताको हमें बतावत, नहीं का हो दरस ऐसो को, तुम कब ही हो पट पावत। मुरली अधर धरत है सो, पुन गोविंद बन बन चारत। नैन विशाल भौ बंकट करी देखो कबहु निहारत, तन त्रिभंग करी नटवर बपुधरी पीतांबर तहीं सोहत। सूर श्याम जो देत हमें सुख, त्यों तुमको सोही मोहत। अंत में वह ये कहकर अपनी बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों पर ही अधिक रस जान पड़ता है। उनो कर्म कियो मातुल बदी मदिरा मत मत्ता प्रमाद, सूर श्याम अति अवगुण में निर्गुण में निर्गुण ते अति स्वाद। ठीक है, सूरदास जी का प्रसंग यहीं समाप्त होगा। इसके आगे बात होगी नंददास जी की, वो करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं आज का प्रसंग यहीं समाप्त करती हूँ। कभी कभी पद ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी सी बोरियत आपको लगने लगती होगी, पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको भाषा का अंतर समझना है, कालखंडों का अंतर समझना है, और कहीं ना कहीं क्रम को भी अपने ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि हम सीरियल से पढ़ते जा रहे हैं, किससे किसकी किस तरह से तुलना की जा रही है। अगर ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये आपको क्रम वाले प्रश्नों में भी सुलभता करा देगा, आसानी करा देगा। चलिए मिलते हैं अपने